अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सब लोगों के। आज का हमारा व्लॉग सी व्यू के नाम। लॉकडाउन चल रहा था, बच्चे काफ़ी बोर हो रहे थे, एंजॉय करने का दिल कर रहा था, इसीलिए आज हम आए हैं लॉकडाउन के बाद सी व्यू सेलिब्रेट करने, लॉकडाउन को ख़त्म होने के खुशी में। और सनसेट का व्यू भी मैंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लिया है, जो इनका फेवरेट है वो ज़रूर आगे चल के देखिएगा, उसका व्यू पूरा मैंने शो किया है। और इसके अलावा मौसम बहुत हसीन हो रहा था, बड़ा ही खूबसूरत मौसम था, ठंडी हवाएँ चल रही थी और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा नहीं था। आप देख सकते हैं बिल्कुल दूर दूर तक बस लोग नज़र आ रहे थे, तो समझ लें सोशल डिस्टेंसिंग था। तो जो लोग अभी तक आउटिंग के लिए नहीं गए हैं, तो ज़रा जल्दी से जाइए, आउटिंग कीजिए, बच्चों को बाहर लेके जाइए, फ्रेश एयर पे लेके जाइए। ज़रूरी नहीं सी व्यू जाइए, जहाँ दिल चाहे जाइए, लेकिन जाइए ज़रूर। और अब तो आज से स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, तो जिनके स्कूल स्टार्ट नहीं हुए वो ज़रूर जाइए, और वीकेंड पे जाइएगा बेशक अगर अभी नहीं जा पाए, लेकिन बच्चों को एक दिन आउटिंग के लिए ज़रूर लेके जाएं। जब हम वहाँ पहुँचे तो बस गाड़ी नज़र आ गई, जब गाड़ी नज़र आ गई तो जैन काजी ने फरमाइश कर दी कि भाई अब मुझे ख़ुद ड्राइव करनी है गाड़ी, तो अंकल से उन्होंने परमिशन ली और ख़ुद गाड़ी ड्राइव की। और बहुत इन्जॉय किया हमने इस ड्राइविंग को, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त जैन काजी ने ड्राइविंग की, तो आप लोग भी इन्जॉय करें हमारे साथ साथ। कि कैसा लगता है आपको हमारा व्लॉग आज का, देख सकते हैं क्राउड बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जो लोग अभी तक डर और खौफ में हैं वो ज़रूर बाहर जाइए, ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया ड्राइविंग को, और अगर फर्स्ट नज़र आ जाए तो भाई जब से ये अर्तगुल साहब आए हैं ना अर्तगुल गाजी में, तो बस फिर ऐसा कमाल कर दिया है, और अर्तगुल गाजी ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। बस फिर जैन काजी ने फर्स्ट ट्राई दोबारा करवाओ, सलाम कैसे, ओए ओए अच्छा जैन गाजी को देख के जैन गाजी का भी हौसला बढ़ा कि भाई मैं भी हॉर्स राइडिंग करता हूँ, तरह छोटे हैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे पहले अकेले करते हुए, लेकिन भाई के साथ बैठ गए और इन्होंने भी खूब इंजॉय किया हॉर्स राइडिंग को। और सीधू को मैंने अक्सर बच्चों को देखा, मम्मा मम्मा अर्तगुल गाजी, और उसको देख कर यानी बच्चों को सबके माइंड में बस एक अर्तगुल गाजी ही घूमता है। चलो बहुत अच्छा ड्रामा है, हिस्टोरिकल ड्रामा है, बच्चों को ज़रूर दिखाना चाहिए। और अगर सीधू जाए और कैमल नज़र आ जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चे कैमल राइडिंग ना करें। कैमल राइडिंग को भी बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, मतलब फुल फ्लैश इंजॉय किया, टिका के इंजॉय किया। ये देख सकते हैं आप सनसेट, ओहो माय फेवरेट सीन, अभी हमारी आंखों के सामने ये हमारा सन, ज़िंदगी का एक और सूरज तो ग़ुरूब हो जाएगा। देखते जाइए आप लोग कितना खूबसूरत सीन है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। ये सीन देखने के लिए तो मैं ऐसे टाइम से गई थी कि बस ये सीन मेरा मिस नहीं होना चाहिए। तो सनसेट का व्यू भी हमने देखा, मौसम इतना शानदार था ना, इतना ज़बरदस्त मौसम था ना कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि कितना मज़ा आ रहा था, कितना ज़्यादा पानी भी बहुत अंदर था, बहुत ज़्यादा अंदर था। तो जो लोग इस खौफ से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं कि नहीं भाई बाहर नहीं जा रहे हम ये वो, तो प्लीज़ इस खौफ से बाहर आइए। और ये देखिए इस तरह दो अंकल जैन काजी को मिल गए थे कि हमारी एक पिक्चर ले लो बेटा, तो यहाँ जैन काजी फ़ोटोग्राफ़र बन गए थे, उनकी पिक्चर्स ली। ज़रूर जाइए, सो पीस का ख्याल रखें, मास्क वेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए, ज़रूर जाइए बाहर।
यहाँ हम कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे, नाकाम कोशिश हुई हमारी। हम यहाँ पे सब्सक्राइब लिखना चाह रहे थे लेकिन हम लिख नहीं पाए। और इसी के साथ हमारा ब्लॉग का एंड होता है। मैं बैठ जाऊंगा और मैं आपके बगैर। चलो भाई जैन, अल्लाह हाफिज़, टाटा करो जैन। और बिल्कुल जब रात हो गई ना, जब हम वापस आए और एंड में फिर जयान काजी ने कहा कि मैं, मुझे भी ड्राइविंग करनी है, जब भाई जी ने की तो मैं भी करूँगा, तो बस फिर उनकी वजह से हमें फिर गाड़ी लेनी पड़ी। और फिर एक बार अब के जयान काजी ने ड्राइविंग की, तो आप ज़रूर बताइएगा कि हमारे साथ सैर करके आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जैन गाजी की मम्मा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज। ये वाह यार, जयान आपने चलाई थी, क्या बात है भाई। चलो